स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ वर्चुअल वर्क. माई सेल्फ विनय पांडे. इसके पहले के जो वर्चुअल वर्क के वीडियोस थे, उन वीडियोस में मैंने आपको एक्सटेंसिबल और इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के बारे में बताया, और इसके अलावा हमने देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है, और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको इसके पहले के वीडियोज़ में बताए. आज का जो वीडियो है, उस वीडियो में भी हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या था कि जो किसी भी सिस्टम में अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन होता है, उन सारे वर्क डन का सम क्या था, जीरो. इस रूल को ही अप्लाई करना है. अगर किसी सिस्टम में टेंशन लग रही है तो टेंशन इनवर्ड डायरेक्शन लगती है और उसका नेगेटिव साइन हमने लिया था, और थ्रस्ट आउटवर्ड लगती है तो उसका साइन हमने पॉजिटिव लिया हुआ था. तो न्यूमेरिकल देखते हैं. फोर यूनिफॉर्म रॉड्स ईच ऑफ वेट कैपिटल W. चार रॉड्स हैं, उनका वेट क्या है W. आर स्मूथली जॉइंटेड सो एज टू फॉर्म अ स्क्वायर ABCD. स्क्वायर बन रहा है चारों रॉड से. द साइड AB इज फिक्स्ड इन अ वर्टिकल पोजिशन. जो उसकी AB साइड है वो वर्टिकली है, और विद A अपर मोस्ट. इसका मतलब यह है कि जो स्क्वायर बनेगा उसमें अपर मोस्ट पॉइंट क्या है, A. ये फिक्स्ड हो गया, और फिक्स्ड हो गया तो सारे डिस्टेंस का मेजरमेंट हम A पॉइंट से करेंगे. तो ये स्क्वायर हो गया ABCD. इस स्क्वायर में हर एक रॉड का वेट कितना है, कैपिटल W. और कैपिटल W अगर वेट है तो सिमेट्रिकल बॉडी का जो पूरा वेट था वो उसके सेंटर पे एक्ट कर रहा था. इसका सेंटर पे वेट कितना एक्ट होगा, चारों रॉड्स का जो सम होगा 4W, वो सेंटर पे वर्क करेगा. आगे देखते हैं. द फिगर इज कैप्ट इन शेप बाय अ स्ट्रिंग जॉइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC. AD और DC का मिड पॉइंट हमको लेना है. इसको E और इसको F मान लेते हैं, और इसमें टेंशन वर्क करे जो कि इनवर्ड डायरेक्शन होगी. तो ये टेंशन आपको निकालनी है. फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग. इसको और इसको ज्वाइन कर लेते हैं. ये 90 डिग्री का एंगल होगा, जो आपको प्रॉपर्टी पता है. ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा. इसको O ले लेते हैं और इसको M ले लेते हैं. टोटल जो फोर रॉड्स का वेट है वो क्या होगा, 4W इसके सेंटर पे वर्क करेगा, इस O पॉइंट पे. तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के लिए बेसिक कंसेप्ट मैंने जो आपको बताया था, उसमें सबसे मेन पॉइंट आपको देखना है कि कितने फोर्सेस वर्क कर रहे हैं. यहाँ पे कितने फोर्सेस हैं, एक वेट और एक टेंशन. इन दोनों फोर्सेस से ही स्मॉल वर्क डन होगा, और उन दोनों स्मॉल वर्क डन का सम क्या होगा, जीरो. तो ये जो 4W है, इसके डिस्टेंस कहाँ से मेजरमेंट होगी, A से. यानी कि ये डिस्टेंस AM आपको निकालनी है. इसकी टोटल लेंथ हम 2A ले लेते हैं. और टोटल लेंथ 2A ले रहे हैं, तो एक तो आपको टेंशन के लिए कौन से लेंथ चाहिए, EF, और एक आपको चाहिए AM. इस वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें, आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है. किसी भी ट्राइंगल में अगर ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो, तो ये जो साइड होती है, इस साइड की हाफ होती है और पैरेलल भी होती है, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग. तो अगर EF की बात करें, तो EF किसका हाफ होगा, AC का. और AC किसका डबल होगा, AO का. AO और AO आप देखिए, इस वाले ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, ये थीटा एंगल है, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेन्यूज. आपको क्या निकालना है, बेस. बेस के लिए कौन सा रेशियो यूज होता है, कॉस. और हाइपोटेन्यूज कितना है, 2A. तो AO कितना हो जाएगा, 2A cos थीटा. इस वाले ट्राइंगल में आपको AM की वैल्यू चाहिए, इन ट्राइंगल AMO. ये बेस, क्योंकि थीटा को कंटेन करने वाली साइड बेस होती है, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज. अगर मैं कॉस थीटा निकालूं, तो ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो AM इज इक्वल टू कितना हो गया, AO कॉस थीटा. तो AM इज इक्वल टू कितना हो गया, AO कितना है, 2A कॉस थीटा. तो 2A कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा. बस ये दो डिस्टेंस मेन थे, जो डिस्टेंस हमने निकाल ली. अब आपको देखना है कि कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं इसमें. एक तो 4W और एक टेंशन. फोर्स ये हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, AM, डेल AM. और टेंशन का साइन जो है नेगेटिव लिया जाता है. ये फोर्स हो गया, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डेल EF. और इन दोनों प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के अकॉर्डिंग, इन दोनों फोर्सेस से जो वर्क डन होगा, उनका सम क्या होगा, जीरो. जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगाया, 4W, AM कितना है, डेल 2A cos स्क्वायर थीटा माइनस T. EF कितना है, EF था 2A cos थीटा इक्वल्स टू जीरो.
फोर डब्ल्यू ये हो जाएगा 8 AW। कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2A cos थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू डेल थीटा माइनस टी 2A sin थीटा प्लस का हो जाएगा और डेल थीटा, एक तो डेल थीटा इसमें से हट जाएगा और एक 2A कॉमन आ रहा है तो 2A कॉमन ले लेते हैं, 2A को भी हटा लेते हैं, कितना आएगा -8W cos थीटा sin थीटा प्लस t sin थीटा इक्वल्स टू 0। अब आपको यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू, तो t sin थीटा इज इक्वल टू 8W cos थीटा sin थीटा, साइन भी कैंसिल हो जाएगा 8W cos थीटा। अब अगर इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम के केस में ये टोटल क्योंकि स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा 45, तो थीटा 45 डिग्री अगर इसमें रखेंगे तो t इज इक्वल टू 8W cos 45 डिग्री। cos 45 कितना होता है, 1/√2, तो टेंशन कितनी हो गई 8/√2, रूट टू से 8 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4√2W। तो टेंशन की वैल्यू क्या हो गई, 4√2W। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहा है उस टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4√2W। ठीक है, सेकेंड न्यूमेरिकल क्या है, अ रोम्बस इज फॉर्म्ड ऑफ रॉड्स ईच ऑफ वेट W। रोम्बस फोर साइड से बना होता है, इसका मतलब फोर रॉड्स आपको दिए और हर एक का वेट कितना है कैपिटल W, तो इसका जो टोटल वेट होगा 4W वो सेंटर पे वर्क करेगा, 4W यहाँ पे वर्क करेगा। ए बी सी डी इस रोम्बस को मान लेते हैं। आगे देखिए, इट रेस्ट सिमेट्रिकली विद इट्स टू अपर मोस्ट साइड्स इन कॉन्टेक्ट विद टू स्मूथ पेग्स। पेग्स का मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में खूंटा जिसको बोलते हैं, इसका मतलब यह है कि इसके जो दो अपर मोस्ट साइड्स हैं ए बी और ए डी को स्मूथ पेग्स यानी कि स्मूथ पेग्स से बांधने का मतलब यहाँ पे टाइटली इसके दोनों पॉइंट को बांध दिया गया हुआ है, दोनों पॉइंट्स इसके अपर मोस्ट जो हैं, इसको ई एफ और इसको जी हम ले लेते हैं, एट द सेम लेवल। सेम लेवल का मतलब ये दोनों सेम हाइट पे हैं और दोनों के डिस्टेंस कितनी है 2a, तो इसका मतलब ये स्मॉल ए हो जाएगा और इधर वाला भी स्मॉल ए हो जाएगा। अ वेट w डैश इज हंग एट द लोएस्ट पॉइंट, इस सी पॉइंट पे एक वेट w डैश आ गया है। इफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस मेक एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ये जो एंगल है ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, तो प्रूफ दैट साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, आपको साइन क्यूब थीटा की वैल्यू ये प्रूफ करनी है। तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू प्रूफ करने के लिए आपको इस पॉइंट को ओ ले लेते हैं, कौन कौन से फोर्सेस इसमें वर्क करें सबसे पहले वो देखना पड़ेगा, एक है 4W फोर्स और एक W डैश। ये न्यूमेरिकल बाकी जितने अभी तक हमने न्यूमेरिकल्स किए उन न्यूमेरिकल से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें जो फिक्स पॉइंट था वो पहले से आपको दिया था, यहाँ पर फिक्स पॉइंट क्या है, ये दो पेग्स जहाँ पे उसको सिस्टम को सपोर्ट किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, तो ये दो पॉइंट है, इसका मतलब जितने भी डिस्टेंसेस का मेजरमेंट होगा वो ए पॉइंट से ना होकर के इस लाइन से मेजरमेंट होगा, या तो ई से या फिर एफ से। तो डिस्टेंस का जो मेजरमेंट है वो यहाँ से करना है, किस केस में, पेग्स के केस में, बस ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी सारा जो प्रोसीजर है हमको वैसे ही लगाना है। तो डब्ल्यू डैश के लिए कौन से डिस्टेंस हमको चाहिए, जी से लेकर के सी तक, और 4W के लिए कौन से डिस्टेंस हमको चाहिए, जी से लेकर के ओ तक, ए से नहीं करनी है, जी से, क्योंकि पेग्स यहाँ पे है। तो इसको ध्यान से देखिए आप, जो टोटल रॉड्स की लेंथ है वो स्मॉल एल आपको दी हुई है, तो अगर मैं बात करूँ इस वाले ट्राइंगल में थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, अगर मुझे ए ओ निकालना है तो ए ओ के लिए बेस के लिए कौन सा रेशियो आता है, कॉस कॉस थीटा, कौन सा एल कॉस थीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई ए ओ की, क्योंकि मुझे ओ से जी तक की डिस्टेंस चाहिए, तो ओ से जी तक की डिस्टेंस के लिए हमको इस टोटल डिस्टेंस से इसको माइनस करना पड़ेगा, और ए से जी तक की डिस्टेंस, इसको आप ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल ए जी ई, इस वाले ट्राइंगल में आपको बेस पता है, आपको क्या निकालना है, सॉरी आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको बेस निकालना है, क्योंकि थीटा को कंटेन करने वाली साइड क्या होती है,
बेस बेस निकालना है और परपेंडिकुलर पता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना है ए, और बेस क्या है ए जी, तो ए जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन में चला जाएगा, तो ए कॉट थीटा। अब आप इसको ध्यान से देखिए, अगर मुझे ओ से जी तक की डिस्टेंस निकालनी है, ओ जी, तो ये क्या हो जाएगी, ए ओ माइनस ए जी, और ए ओ कितना है एल कॉस थीटा, और ए जी डिस्टेंस क्या है, ए कॉट थीटा। ये डिस्टेंस हमने कौन से निकाल ली, ओ से जी तक की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किसके लिए काम आएगी, फोर डब्ल्यू के लिए। अब कौन से डिस्टेंस हमको निकालनी है, सी से जी तक की डिस्टेंस। नाउ सी जी जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, सी जी को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे ए सी से किसको माइनस कर लेंगे, ए जी को, और ए सी किसका डबल होगा, ए सी डबल होगा ए ओ का, ट्वाइस ऑफ ए ओ, यानी कि इसका ट्वाइस करेंगे तो 12 कॉस थीटा, और ए जी कितना आ रहा था, ए जी हमने निकाला हुआ था ए कॉट थीटा। बस ये मेन टर्म्स है जो आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस कहाँ से मेजरमेंट करनी है आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे पेग्स है। अब आप प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगाइए, और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से जो रिलेशन हमको प्रूव करना है वो रिलेशन हमको ईजिली मिल जाएगा। तो कौन कौन से फोर्सेस, फोर डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू डेल ओ जी, और प्लस डब्ल्यू डैश डेल कौन से डिस्टेंस, जी सी या सी जी, इनका सम क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से 0, फोर डब्ल्यू डेल ओ जी कितना है, ओ जी हमने निकाला हुआ था एल कॉस थीटा माइनस ए कॉट थीटा, प्लस डब्ल्यू डैश सी जी कितना है, 12 कॉस थीटा माइनस ए कॉट थीटा इक्वल्स टू 0, फोर डब्ल्यू कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका, माइनस एल साइन थीटा, और कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, प्लस ए कोसेक स्क्वायर थीटा डेल थीटा यहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू डैश इसका डिफरेंशिएशन माइनस 12 साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस ए कोसेक स्क्वायर थीटा डेल थीटा। जो रिलेशन हमको प्रूव करना है, इस रिलेशन को मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ, अब मैं डायग्राम हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। इसमें देखिए आप, इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मैं जो रिजल्ट है उसको साइड में लिख दे रहा हूँ, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू हमको क्या प्रूव करना है, ए फोर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश एल फोर डब्ल्यू प्लस टू डब्ल्यू डैश। इसमें देखिए अब कितना हो जाएगा, माइनस फोर डब्ल्यू एल साइन थीटा, डेल थीटा को मैं हटा दे रहा हूँ दोनों से कॉमन लेकर के, और प्लस फोर डब्ल्यू ए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टू डब्ल्यू डैश एल साइन थीटा, और प्लस ए डब्ल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये साइन थीटा वाले टर्म्स को राइट साइड में लेके जाते हैं, फोर डब्ल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ए डब्ल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट साइड में क्या हो जाएगा, साइन वाले टर्म्स जाएंगे, तो फोर डब्ल्यू एल और प्लस टू डब्ल्यू डैश एल, और साइन थीटा में कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है इसमें से, ए भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, फोर डब्ल्यू ए कोसेक स्क्वायर थीटा, और दोनों टर्म्स में आप देखिए, सॉरी यहाँ पे जो डब्ल्यू डैश था ये कोसेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो डब्ल्यू डैश आएगा ये, और कोसेक स्क्वायर थीटा में ये भी डब्ल्यू डैश आएगा, तो आपने ए कॉमन लिया है और कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिया है, तो अंदर क्या बचेगा, फोर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा फोर डब्ल्यू प्लस टू डब्ल्यू डैश एल कॉमन ले लेते हैं, एल साइन थीटा। तो वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन थीटा की, ये सारे टर्म्स को अपॉन में लेकर के आते हैं, यहाँ पे ए फोर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश यहाँ अपॉन में आकर के फोर डब्ल्यू प्लस टू डब्ल्यू डैश एल, ये टर्म अपॉन में आ गए, तो यहाँ क्या बचा, साइन थीटा, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा इसके अपॉन में जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो वन अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा,
और इसको राइट साइड में लिख देते हैं ए फोर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश एल फोर डब्ल्यू प्लस टू डब्ल्यू डैश। और ये रिजल्ट हमको इस क्वेश्चन में प्रूव भी करना है। तो डिफरेंस क्या है कि आपको डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है जहाँ पे पेग्स हैं, जहाँ पे वो बंधा हुआ है, और बाकी आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क वैसे ही लगाना है जैसे मैं आपको पहले से बताते हुए आ रहा हूँ।